ये देखिए दोस्तों, मेरी दी की लड़की बड़ी वाली रही, बहुत ही अच्छा ग्रेवी बना रहे हैं। उनको देखिए, मेरे पापा जी की भी याद आ गई। तो फिर देखिए दोस्तों, सीट मिला था, मैंने इनके बीच में घुस गई हूँ। चूहे की कहाँ कहाँ से आए दिया, जापान मलेशिया। शिव जी का भगवान सचिव, इसको देखो कितनी छोटी सी है। खराब करके रख दे, कितना तैयार हो रही है, इतना कम मेकअप और टाइम देखो। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से प्रीति जी का ब्लॉग में। और सबसे पहले तो बड़ों को प्रणाम और छोटे को ढेर सारा आशीर्वाद। तो फिर दोस्तों, अभी का ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं और लेट हो रहा है और फटाफट बोलना पड़ रहा है और तैयार होते होते ब्लॉग स्टार्ट करना पड़ रहा है। तो फिर दोस्तों, आज जा रहे हैं हम लोग, शिवरात्रि है धारचूला में, पूरा प्रोग्राम होता है, तो वो सारा चीज आपको दिखाएंगे, वीडियो में बने रहे आगे भी। तो फिर दोस्तों, मैं हो गई रेडी और जा रही हूँ, और उठू है छोटी के ग्वाला ग्वाला बेचारे, छोटा सा मुंह बना के यहाँ पे दिन भर देखना है छोटी को, और ठीक से दूध पिलाना, और सुसु करेगी बार बार, पैजमा चेंज करना, और पोटी भी करेगी, वो भी साफ करना। मैं भी तेरे लिए रख दूंगा। तो यहाँ पे रोहित भी है, रोहित तो नहीं जा रहा, और छोटी अभी वहाँ पे सुलार का टोकरी में, और सासु धूप सेक रही है, और अंत तक थोड़ा एक्सरसाइज करे हम जहाँ छो। अब ये अच्छे से वो कर दो ना, वो हार्ट को ठड़िया रहे बेचारी, ये लगाओ मच्छरदानी, वो सूख गई है। तो भी दोस्तों, जाने लग गए हैं, आंटी जी भी आ रही है मेरे साथ, हम दोनों जा रहे हैं साथ में। हम लोग पहुंचने वाले रोड में, और ये देखिए यहाँ पे भी बहुत भयंकर सीढ़ी है, आंटी संभल संभल के जा रहे। तो फिर दोस्तों, अभी पहुंचे हम लोग मल्ली बाजार, और ये देखिए रोड की हालत इतना कीचड़ है, धारचूला का रोड कभी सुधरने वाला है नहीं, संभल संभल के जाना पड़ रहा है। और शिव मंदिर में जा रहे हैं हम लोग, क्योंकि दीदी लोग वहीं गए हैं, आंटी और मैं जा रहे हैं साथ में। आंटी को साथ में लेके आई आज, क्योंकि मैं अकेले पड़ गई थी ना, तभी जाके आंटी और मैं जा रहे हैं शिव मंदिर में, थोड़ा सा शिव के दर्शन कर लेंगे और भेंट भेंटी चढ़ाएंगे, फिर वहीं से जाएंगे हम लोग मंच में। तो उसके बाद अरुणाचल समुदाय का मतलब रैली निकलता है, आपको वो दिखाएंगे, तो आपको वहीं जाके बता देंगे कि क्या क्या चीज़ें होता है, बहुत ही अच्छा होता है। और मतलब शादी के बाद मैं एक बार भी यहाँ नहीं थी, पर इस बार पहली बार हूँ, तो बहुत अच्छे से ब्लॉग बनाऊँगी पूरा। तो फिर दोस्तों, हम लोग पहुँच गए हैं शिव गली, ये यहीं से गली से होते हुए जाएंगे, और बगल में शिव मंदिर है, तो हम लोग वहीं जा रहे हैं। जा तो हम रहे हैं, लेकिन हम लोग लेट जा रहे हैं, हमसे पहले बहुत लोग चले गए होंगे मंदिर में, तो फिर भजन भी लग रखा है शायद, कीर्तन भजन भी लगा है। तो फिर दोस्तों, चलते हैं मंदिर में कि कितने सारे लोग हैं देख लेंगे, फिर वहीं से जाएंगे हम लोग स्टेशन जहाँ मंच बन रखा है। तो देखिए काफी भीड़ लग रही है यहाँ पे, बबरे जगह ही नहीं है यार आंटी। दोस्तों ये देख सकते हैं आप लोग, कितनी लंबी लाइन लग रही है शिव मंदिर में, ये देखिए, ये है धारचूला का शिव मंदिर, और यहाँ पे भैया लोग भी दिख रहे हैं, आपको लाइन दिखाती हूँ, इतनी लंबी सी है, वो देखिए कितने दूर तक लाइन है यार, अब क्या होगा, ये तो नंबर ही नहीं आने वाला। अरे लाइन प्रणाम, हाँ जी तेरा, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक ही है। बाबरे लाइन देखो भी इतनी लंबी सी, हाँ हाँ ब्लॉग बनाने तो आई छोटी को, तब वही ना ना वो निपल भी थी है ना, निपल नहीं थोड़ा सा अपना, थोड़ा सा निपल उन्होंने बोला, मैं थोड़ा ना आ रही थी, बच्ची को छोड़ के कहाँ आती, ठीक ही है अभी, चलो फिर लाइन में लगो, फिर हम भी लगते हैं अभी पीछे से। अरे निर्दिक प्रणाम, ठीक हो, बाबरे लाइन देखो फिर कब आएगा नंबर है। ये देखिए बहुत लंबा लाइन है यार यहाँ से, कितनी लंबी लाइन है, क्या कर रहे हैं फिर दोस्तों, आपने देख लिया होगा इतनी लंबी लाइन लगी है, अभी तो नंबर आने वाला नहीं है, इसलिए एक बार हम लोग घुस रहे हैं स्टेशन में, तो उसके बाद आएंगे दोबारा दर्शन करने के लिए। तो आज के दिन तो किसी भी टाइम जा सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर दोस्तों पहुंच गए हम लोग होंगे प्रोग्राम, बैठ गई है वहाँ पे, क्योंकि यार अभी रैली नहीं निकला है। देखिए यहाँ पे इस प्रकार से व्यवस्था कर रखा है, और ये मंच जो दिख रहा है सामने आपको, वहीं पे प्रोग्राम होते हैं। ये देखिए दीदी लोग भी आगे आगे रहे, आज दिया का नाम लिखा रखा है, दिया डांस करेगी। तो फिर दोस्तों मैं पहुँच गई थी इसमें, जो मेरे पीछे से दिख रहा है वो है मंच, और यहाँ पे बहुत सारा प्रोग्राम भी होगा और काफी अच्छा होता है। तो आधे लोग तो डर चले गए, डर में भी हो रहा है, लेकिन मैं हूँ अभी फिलहाल धारचूला में, और छोटी तो घर में है, आप जान सकते हो कि सासू और मतलब उट्टू है दोनों। तो फिर मैं यहाँ पे अच्छे से वीडियो बनाऊंगी, और मुझे सासू और उट्टू ने भेज रखा है, क्योंकि छोटी निपल में दूध पी लेती है, इसलिए आ रखी हूँ, वरना तो कैसे छोड़ती हूँ वहाँ पर। आज बहुत अच्छा मतलब मौका मिल रखा है, तो फिर यार और सभी लोगों को बहुत बहुत शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मंच बहुत खाली है, ये देखिए
यहाँ पे कितने सारे मतलब चांदी के पूरे गहने हुए पहने, अपने अपने कल्चर दिखाएंगे सभी लोग। अच्छे से दिखा देती हूँ, ये है मंच और यहाँ पे देखिए ये बच्चे, ये देखिए यहाँ पे सिलेंडर रखे गए हैं और बाद में प्रोग्राम होगा उनको मिलेगा। और ये शिव भगवान का मूर्ति दिख रहा है आपको, यहाँ पे फल फ्रूट भी चढ़ाए गए हैं और ये देखिए काफी सुंदर लग रहे हैं आंटी लोग बहुत अच्छे लग रहे हो आप सभी लोग। और यहाँ पे बड़े सर लोग हैं, यही प्रोग्राम डिसाइड करते हैं और आगे भी बोलते हैं आगे से। ये देखिए यहाँ पे बड़े लोग का सम्मान करते हैं यहाँ पे, और ये रीति रिवाज होता है तभी पाक बांधते हैं यहाँ पे। ये लोग सबसे साइड में जाके बैठ रखे हैं यहाँ पे। दिया कहाँ गई है? दिया तो अभी से डांस करने लगी है। यहाँ पे बुबू लोग बैठ रखे हैं यहाँ पे, सब सयाने लोग और अपना अपना जगह बनाने लगे हैं। सभी लोग यहाँ पे बैठ के प्रोग्राम देखेंगे और अभी थोड़ा थोड़ा करके भीड़ बढ़ने लग गया है यहाँ पे। तो फिर दोस्तों आज पहली बार दिया का यहाँ शिवरात्रि में प्रोग्राम है धारचूला में। तो फिर दोस्तों प्लीज़ पूरा ब्लॉग अच्छे से देखना और दिया का रील भी बनेगा। कौन सा गाने में कर रही है? बिजोरा। जम कौन सा बिजोरा? बिजोरा बिजोरा। अच्छे से दोस्तों देखना मेरा वीडियो। तो फिर दोस्तों यार अभी पता नहीं, अभी तो कुछ हलचल ही नहीं हो रहा है, अभी पता नहीं कहाँ कहाँ छिप रखे हैं सारे लोग। अभी निकलेंगे के करके बिल से बाहर ना। ये मंच किस प्रकार से बनाया गया है, क्या सब इस रोड में क्या कर रहे हैं यार, धारचूला में जगह ही नहीं है कुछ। और ये देखिए बीच स्टेशनों में बनाना पड़ रहा है उसके बाद। देख सकते हैं यहाँ पे रोड बंद कर रहा था तो फिर अभी फिलहाल खोल रहे हैं, थोड़ी देर में और ऑफ कर देंगे क्योंकि यहाँ से वरना तो लगातार लोग गाड़ियाँ लेते रहेंगे और वो चीज़ें ठीक नहीं होगा यहाँ पे। यहाँ पे काफ़ी अच्छा लग रहा है मंच। ये भैया जी यहाँ पे जा रहे हैं और यहाँ पे से बनाएंगे। श्रीमान भगत सिंह कोसारी जी का आगमन होना है। वे बहने लोग शायद इनका प्रोग्राम है, आप लोग का प्रोग्राम है? कौन से गाने में ले रहे हो प्रोग्राम? कहाँ है दीदी ये? अच्छा तो फिर ये लोग भी तैयार हो गया। ये देखिए दोस्तों मेरी दी की लड़की बड़ी वाली रही, कितनी सुंदर लग रही है और ये पूरी तैयार होके आई है। कौन से गाने में कर रहे हो प्रोग्राम? बंदना कर रहे हो, चलो ठीक है फिर। तो फिर दोस्तों यार अभी तो कम ही भीड़ है, थोड़ी देर में और भी भीड़ बढ़ जाएगी। और दोस्तों अभी मैं घूम रही हूँ स्टेशनों में थोड़ा सा। तो फिर दोस्तों ये देखिए यहाँ पे गोलगप्पा और टिकिया बन रहा है और साथ में जलेबी भी बन रहे हैं। ये देखिए कितने करारे करारे मस्त लग रहे हैं। कब से बना रहे हो अंकल जी? सुबह से लगे हो? ये देखिए बहुत ही अच्छा ग्रेवी बना रहे हैं, उनको देखिए मेरे पापा जी की भी याद आ गई, पापा भी ऐसे ही बनाते हैं। भैया लोगों ने काफ़ी अच्छा व्यवस्था कर रखा है यहाँ पे और साथ में, क्योंकि इतने नज़दीक आके आराम से गोलगप्पा खा सकते हैं सभी लोग। तो यार हम दोनों तो स्टेशन में भटक रहे हैं, अभी प्रोग्राम स्टार्ट नहीं हो रहा है। सर लोग लिस्ट बना रहे हैं, चौक पर म्यूजिक सिस्टम है यहाँ पर पधारेंगे आगे रिया लोग के सामने के माध्यम से। तो फिर देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं ये लोग, बनना के लिए तैयार हो रखे हैं। और सबसे पहले प्रोग्राम आप लोगों का होगा ना? नहीं, पहले स्वागत गीत है। अच्छा पहले स्वागत गीत होगा फिर जाके बंदना? अच्छा तो फिर देखते हैं क्या होता है, मैं तो यहीं पे रहूंगा, मिली जगह बना वीडियो बनाने के लिए। किसने तैयार किया? बहुत सुंदर कर रखा है। तैयार हुए बस सारी मैम ने करना है। हाँ काफी अच्छा, बाप रे बिंदी तो गजब लग रहा है माने में सबका। तो इनका भी प्रोग्राम है और आप लोग का कौन सा प्रोग्राम है? स्वागत गीत। आप लोग भी कौन से स्कूल से हो? विवेकानंद। और ये लोग शिशु मंदिर ना? विवेकानंद। अच्छा अच्छा सॉरी सॉरी, अरे ये वहीं तो पढ़ती है, मैं भूल गई पहले पढ़ती थी वहीं पे ना। दोस्तों सीट नहीं मिला था, मैंने इनके बीच में घुस गई चूहे की तरह बीच में बिल में। तो ये देख सकते हैं बैठ रही हूँ और इनका प्रोग्राम होगा, अच्छे से दिखाऊंगी अभी मैं। ये देखिए अभी तो भीड़ बढ़ गई और यहाँ पे के जितने भी चेयर थे वो सारा भर गया और वहाँ देखो वो भीड़ हल्के हल्के से बढ़ने लग गई है। देखो इतनी बड़ी अधिक से अधिक संख्या में मंच पर पहुँचे। बात सही है, दोस्त मिल गए, दिया के छोटे छोटे दोस्त। दोस्तों मुझे मिल गई है जिया, मेरी छोटी बहन कार्तिका। भैया मम्मी का? अच्छा तो फिर ये लोग सब मेला देखने के लिए आ रखे हैं।
फारू बुआ, हमारे आमा लोग बुआ लोग भी पहुंच गए हैं। मेला चाहने की चलो ठीक है, फिर जाओ अगिल भी थी बसो, बाद में सीट ना मिली था बड़े की नगिल पे बसो, सीट ना मिली हुई बात ठीक है, जाओ तो मेरे मम्मी देखिए हम लोग तो पूरे स्टेशन। हेलो कस्तू मैडम मिल गई, यहाँ पे डांसर लोग मिल गए, कब आई कौन से कब आई कल आई, चलो फिर चलो हाँ मिलते हैं बाय। हेलो 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 बढ़िया बढ़िया, मैं तो यही हूँ यार। हाँ हाँ चलो चलो ठीक है, इतने दूर जा रहे हैं और वापस जा रहे हैं हम लोग मंच में, पता नहीं कहाँ गायब हो गए यार, आज झांकी नहीं निकल रहा अभी तक, टाइम तो काफी ज्यादा हो गया। ये दोस्तों नेपाल से भी आ रखे हैं यहाँ मेला देखने के लिए, मेरे ख्याल से तो नेपाल के ही है पर कुछ डिसाइड नहीं है यार अभी की, मैं खाली बोल दे रही हूँ नेपाल के बोल के ना। तो फिर दोस्तों दिया क्या बोल लिया, कहाँ कहाँ से आए दिया? जापान मलेशिया। अरे कहना क्या चाहते हो? तो फिर दोस्तों थोड़ी देर में झांकी निकलने वाला है, ये देखिए मुख्य अतिथि महोदय, ये देखिए थोड़ी देर बाद झांकी निकलने वाला है और काफी टाइम लगाया, अभी अपना अपना कल्चर दिखाएंगे यहाँ पे सारे लोग। तो फिर दोस्तों ये पहला कार्यक्रम शिव मंदिर को पूजा अर्चना के लिए प्रस्थान करेंगे। ये देखिए यहाँ पे झांकी में अपना शामिल हो रहे हैं और काफी भीड़ भी लग रहा है यहाँ पे, तो भी मुझे जगह नहीं मिल रहा था तो मैंने आंटी लोगों से जगह मांग ली और मैं बैठी उनके सामने। दोस्तों ये देखिए यहाँ पे सामने जो है ये नेपाल से आ रखे हैं मेला देखने के लिए, कितने लोग आए वहाँ पे? दो ही लोग आ रखे हैं और लोग आए हैं, लोग आए हैं ना, नेपाल पाकिस्तान। घर पे हम लोगों का झांकी निकल गया, अपने पूरे वेशभूषा में आ रखे हैं यहाँ पे। ये देखिए इतनी छोटी छोटी बच्चियां भी हैं साथ में, ये देखिए कितनी छोटी बच्ची भी है, इधर देखो हेलो इसको देखो कितनी छोटी सी है, यहाँ पे सभी छोटे बड़े लोगों ने यहाँ पे अपना प्रोग्राम प्रदर्शन कर रखा है यहाँ पे। अभी दोस्तों ये मंच की ओर जाएंगे यहाँ से, साथ और परंपरागत नृत्य के साथ ठीक सामने मंच से हवाला किया जाता है। इस झांकी में सभी पुरुष महिलाएं बच्चे बुजुर्ग सभी शामिल हैं, तो खुशी का माहौल इस मेले में देखने को मिल रहा है हमें। धीरे धीरे मुख्य अतिथि इस मंच पर पहुंचे, उसके पहले आभमंत्री एवं उत्तराखंड पूर्व महामहिम राज्यपाल महाराष्ट्र माननीय श्री भगत सिंह कोश्यारी जी का आगमन इस मंच की ओर, मैं समझते जनता की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। परम सभापति की झांकी परंपरागत झांकी मंच से आगे निकलती हुई, परंपरागत पगड़ी परंपरागत वेशभूषा परंपरागत नृत्य इन सब का एक मिलाजुला रूप आज हमको इस मंच के माध्यम से देखने को मिल रहे हैं। राम सभापति राम सभापति आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे कार्यकारिणी सदस्य से अनुरोध है कि जितने भी आज हमारे विशिष्ट अतिथि हैं और अतिथि हैं उन सबको भी आप कैद अलिंकित कर और तिलक लगाकर स्वागत करने की कृपा करें। हमारे शिवालय की ओर अग्रसर होते ही सभी शिव भक्तों का भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि
आपकी आपका आशीर्वाद इस क्षेत्र पर हमेशा बना रहे, आपकी दया दृष्टि हम सब पर बनी रहे, सबका जीवन मंगलमय हो। आपका क्षेत्र में आयोजित होने वाली इस शिवरात्रि मेले में महाशिवरात्रि मेला कमेटी धारचूला की ओर से एक बार मैं पुनः समस्त जनता का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। इनका स्वागत करें। मुख्य मेले की ओर मित्र राष्ट्र नेपाल की टीम धीरे धीरे मंच की ओर अग्रसर होती हुई। नेपाल तिनकर ग्राम सभा की टीम, आपका भी इस मेले में इस शिव पर्व में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मंच की ओर अग्रसर होती हुई आप सबका मैं इस मंच के माध्यम से महाशिवरात्रि मेला कमेटी धारचूला की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। इस प्रकार से हमें अपने परंपरा को बचाए रखना है, इस प्रकार से हमें अपने संस्कृति और अपने रीति रिवाजों से जुड़े रहना है। इन साक्षात्कार के माध्यम से आज इस क्षेत्र की जनता को सीखने को मिल रहा है। ग्राम सभा नाभी की टीम, ग्राम सभा नाभी की टीम धीरे धीरे शिवालय की ओर अग्रसर होते हुए आपका मैं स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ।